मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम जगत पादप जगत पढ़ेंगे। तो आप सभी पादप मतलब प्लांट पौधे से परिचित हैं कि पौधा कैसे दिखता है, उसका जीवन साइकिल कैसे होता है, यही सब चीज़ को हम लोग पादप जगत में पढ़ेंगे। तो पादप जगत जो है ये पांच जगत वर्गीकरण में से एक जगत है। जो पांच जगत वर्गीकरण के अनुसार पौधा कैसे होती है, स्वपोषी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका इसमें पाई जाती है, ये बहुकोशिकीय जीव होती है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से ये कैसे दिखाई देता है, पौधे की पत्ती कौन से कलर में दिखाई देती है, ग्रीन कलर में दिखाई देती है और यह अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। अभी तक लगभग 3,50,000 से अधिक पादप जातियों की खोज की जा चुकी है। पादप जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ता है और उसमें अपना भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के रूप में वो उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। फिर आगे है पादप जगत की कुछ विशिष्ट लक्षण होती है। जैसे पादप जगत क्या होती है, ये भूमिगत भूमि में रहती स्थिर होती है, ये बहुकोशिकीय होती है, ये कोशिका भित्ति से बनी होती है जो सेलुलोज का बना होता है, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है, ये स्वपोषी होती है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बहुकोशिकीय होती है, इसकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है, इस समूह के अंतर्गत आने वाले सभी जीव कैसे होते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी मतलब अलग अलग प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल का आप लोग नाम सुने ही होंगे, अमरबेल कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, ये दूसरों पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार नियोसिया नामक जो पौधा होता है वो मृतोपजीवी होता है। कुछ जो पौधे होती है वो कीटभक्षी होती हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, पर्णभक्षी, कलश पादप, ड्रासेरा, ये सभी क्या है, कीटभक्षी पौधे होती है। इसमें भोज्य पदार्थ प्रायः किस रूप में संग्रहित होता है, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इसमें प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधि द्वारा होता है। फिर आगे पादप जगत का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। तो पादप जगत को दो जगत में बांटा गया है, पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप। फिर पुष्पी पादप को तीन भागों में बांटा गया है, उसे सबको यहाँ चार्ट में दिया हुआ है। चार्ट के माध्यम से आप लोग ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ ऊपर में क्या है, पादप जगत, प्लांट किंगडम, ठीक है। तो प्लांट किंगडम को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग को क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी पादप, नाम से स्पष्ट अपुष्पी पादप मतलब कैसा होगा, जिस जो बीज रहित और पुष्प रहित होगा, पुष्प नहीं खिलेगा। और फेरोग्रेम्स गेम्स है, सेकेंड को फेनरोगेम्स बोलते हैं, जो पुष्पी पादप होती है। तो ये कैसा होता है, ये जड़ तना पत्ती वाला होता है, ये पुष्प देता है और ये बीज धारण करने वाला पादप होती है। फिर सबसे पहले क्या देखे थे, क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी पादप, इसको तीन भाग में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा। तो थैलोफाइटा ये थैलस के समान संरचना होती है, इसमें जड़ तना पत्ती में ये विभेदित नहीं होती है और ये अपुष्पी होती है, इसमें पुष्प नहीं लगता। इसको दो भाग में बांटते हैं, एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक, इसका नाम आप पहले और सुन ही चुके हैं और कवक जगत को हम पढ़ ही चुके हैं कवक जगत में। तो ये दो भागों में बढ़ता थैलोफाइटा, कौन कौन सा, एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक। फिर सेकेंड है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को तीन भागों में बांटा गया, क्या क्या है, हिपेटीसी, एंथोसिरोट्री, मसाई, तीन भाग में इसको बांटा गया। फिर है टेरिटोफाइटा, टेरिटोफाइटा को भी चार भागों में बांटा गया है, साइक्लोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये चार भाग में बटा हुआ है। फिर फेरोगेम्स, ये हो गया आपका कंप्लीट अपुष्पीय पादप। फिर है सेकेंड फेरोगेम, पुष्पी पादप, जिसमें पुष्प और बीज का और फल का निर्माण होता है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है नग्नबीजी, जिसको जिम्नोस्पर्मी बोलते हैं,
नग्न बीजी जिम्नो स्पर्मी, जिसमें बीज कैसा होगा, एकदम छोटा नग्न होगा। दूसरा इसका कहलाता है एंजियो स्पर्मी, जो कैसा होगा, फूल के अंदर बीज युक्त होता है, बड़ा बीज इसमें पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो जिम्नो स्पर्मी है, नग्न बीजी पादप है, उसको फिर तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या, साइकोसिडा, कोरिफेरोप्सिडा और निटोप्सिडा, ये तीन भाग में पाए गए, साइकस, पाइनस और नेटम। ये जो साइकस और पाइनस है, ये जो पौधे हैं, घरों में सजावट के रूप में लगाया जाता है, आप लोग देखे भी होंगे साइकस और पाइनस को। तो आप लोग ध्यान से देखना, उसमें कोई बड़ा बीज नहीं लगता है, वो कैसा रहता है, नग्न बीजी पादप होता है, उसमें कोई फ्लावर नहीं आता है, ना ही कोई बड़ा बीज लगता है। फिर है एंजियो स्पर्मी, एंजियो स्पर्मी में बड़ा फूल होता है, जो सामान्य पौधे हम अपने वातावरण में देखते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, मोनोकोटिलीडांस और डाइकोटिलीडांस। मोनोकोटिलीडनी क्या होती है, एक बीज पत्र होती है, जिसमें केवल एक बीज पत्र पाई जाती है, जैसे होता है गेहूँ, धान, इसके उदाहरण है मोनोकोटिलीडनी के। ये डाइकोटिलीडनी, जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जब बीज को दो भागों में बांटा जाता है तो आसानी से दो बराबर भागों में बढ़ता है, जैसे चना है, मटर है, अरहर है, ये सभी डाइकोटिलीडांस में आता है।